हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अपने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कैसे जुड़ें, इसकी जिम्मेदारी है बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा से। संजय झा जी, आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, आपको लगता है कि जेडीयू अब तक सोशल मीडिया से बहुत दूर रहा है, मुख्यमंत्री खुद भी सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते हैं, तो ये आप कैसे कर पाएंगे, क्या योजना है? नहीं प्रकाश जी, ये सही है कि नीतीश कुमार जी जनरली लोगों के बीच में ही जाके काम करने में बिलीव करते रहे। कोई इनके पूरे कार्यकाल को देखे तो 14-15 यात्रा गवर्नेंस को लेकर के और पॉलिटिकल यात्रा इनके 14-15 साल में रहा है। मुझे नहीं लगता है, या मुख्यमंत्री के जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, वहाँ इंटरेक्शन लोगों से रहा है, तो इनका फ्रेम पब्लिक में ज़्यादा रहा है। उनका टेम्परामेंट कभी डिजिटल विजिटल में बहुत उनको कनेक्ट नहीं कर पाता है, वो लोगों के बीच में ही गए, तो उस जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स का इन लोगों का छात्र जीवन से आज तक का पॉलिटिक्स रहा है, तो लोगों के बीच में ही जा कर के वो मूड भी गौज करते हैं, कुछ अच्छा कोई बुरा, प्रोटेस्ट समर्थन, वो सब वहीं से गौज होता है। टेम्परामेंट तो वही था, लेकिन इस कोविड में चुनाव क्योंकि बिहार में ही होना है इस साल, तो ये लग रहा है कि मुश्किल है इस तरह का रैली या इस तरह का कार्यक्रम करना, अभी जो लग रहा है। आई डोंट नो आगे क्या परिस्थिति बनती है, तो मीडियम लार्जली यही दिखता है। तो पिछले दिनों में फर्स्ट फेज में उन्होंने काफ़ी लोगों से, जिला अध्यक्ष वगैरह से बात की, और पिछले दिनों में 24 मीटिंग उन्होंने विधानसभा के हर एक वर्कर से किया, और लगभग आप तो उनके साथ रहते हैं संजय जी, मीटिंग ऑर्गेनाइज भी करते हैं, लोगों से बात भी करते हैं, तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के चेहरे के हाव भाव से कि वो जो फील होता था, जो हेलीकॉप्टर उतरता है, लोगों के बीच जाते हैं, या कार्यकर्ताओं से आमने सामने बात करते थे, जो गेज करते थे लोगों के अंदर में क्या चल रहा है, वो नहीं हो पा रहा है? नहीं, वो तो नहीं हो पाएगा। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये चीज़ और जो लाइफ लॉन्ग पॉलिटिक्स इसी बैकग्राउंड में कोई किया हो, उसको सडनली कहिए कि आप आ करके कमरे में बैठ करके कैमरा लगा करके और बोलिए, तो वो डिफिकल्ट। चेहरे पर आप क्या भाव देखते हैं? वो भाव तो बिल्कुल, मुझे ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि जो आपको एनर्जी, जो ताकत, जो समझ आपको, मैंने मुझे, हम लोग तो थोड़ा बहुत समझ भी लेते हैं, लेकिन उनका टेम्परामेंट बिल्कुल लोगों के बीच वाला ही टेम्परामेंट रहा। उन कभी भी कंफर्टेबल होंगे आई डाउट इन सब चीजों से। उनका जी मचलता है लोगों के बीच में जाने का? बिल्कुल 100% उनका जी मचलता है। अभी भी उनको लगता है, लोग बोलते हैं 85 दिन रहे मेरे सामने, कितनी बार वो अपने अफसर सबसे पूछे हैं कब निकल सकते हैं, कब जा सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी से भी कहा, भाई हम निकल कब सकते हैं, लोगों के कहीं जाकर के एक जगह हम कम से कम क्वारंटाइन सेंटर ही देख के आते हैं। लेकिन क्योंकि उनका मूवमेंट होने का मतलब हो गया कि इतने लोगों को एक साथ निकलना, तो वो बहुत लोगों को आप खतरा में डाल देता है आज के परिस्थिति में, जब लॉकडाउन था या जो परिस्थिति थी, तो उनको, आपको जो लोग उनके राजनीति को नजदीक से देखे हैं, ये पॉसिबल। आखिर ऐसा क्यों होता है? तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुख्यमंत्री के घर में जाना होगा, किस बिल में छिपे हैं निकालना होगा, इतने दिनों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ये फिर ये आरोप क्यों? नहीं, उनसे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं, वो तो खुद भागे हुए रहते हैं, उनको क्या पता है बिहार में क्या हो रहा है, कैसे काम हुआ। वो तो 70 दिन भागे थे, 60 दिन यहाँ से जब पीक था, आज जनता बुरी तरह यहाँ घिरी हुई थी, इतने लोग आ रहे थे, तो वो यहाँ थे क्या? वो तो यहाँ थे नहीं देखने के लिए यहाँ क्या काम हो रहा, उनको क्या आइडिया? अब चुनाव आ गया तो आ गए। वो नीतीश कुमार जी अगर डे वन से उनका रूटीन कोई जाकर के फॉलो करे, जिस दिन से ये लॉकडाउन हुआ है और आज तक कोई ऐसा दिन नहीं हुआ है ये सुबह से शाम तक एक एक चीज़ को माइन्यूटली वो नहीं चीज़ देखे, तभी चीज़ें जो बहुत जगह आप देख रहे होंगे, जो दिल्ली या मुंबई को लोग समझते थे, वहाँ चीज़ें खराब हो रही है, लेकिन ऊपर वाले कृपा से बिहार में आउट ऑफ हैंड चीज़ें नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग ये हुआ है ना चीज़ों का, या इतने लोग बाहर से आए, 100 आदमी को आप खाना खिलाते हैं तो आपको समस्या हो जाती है, घर में कोई आ जाए तो, बाराती आ जाए तो, ये लाखों लोग आए और 14 दिन क्वारंटाइन में रहे, उनसे भी जाकर के बात कीजिए कैसे रहे? आप जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पार्टी को जोड़ना चाहते हैं, तो अभी क्या डेटा है आपके पास, और आप इस मामले में क्या आपको लगता है कि बाकी पार्टियों से पीछे हैं, यहाँ तक कि आपके सहयोगी दल से भी आप पीछे हैं? नहीं, इसलिए नहीं पीछे हैं, ये बात सही है कि बिहार के लोगों का डिजिटल प्रेजेंस बहुत बड़ा है। ये मेरे लिए भी न्यूज़ था कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग फेसबुक पर हैं बिहार में, या मोबाइल ऑलमोस्ट जनसंख्या के बराबर है, हर एक घर में मोबाइल दिखता है, और डिजिटल पर भी आप कोई मेकअप बना करके चीज़ों को नहीं कर सकते।
सच्चाई को ही आप डिजिटल पर डालिएगा तभी पब्लिक कनेक्ट होगा। हम लोग कोई बात अपना अचीवमेंट लेके जाते हैं तो लोग कनेक्ट कर पाता है, लेकिन झूठ को ही जा करके आप कोई कहे कि हमको इतना लाइव में मिल जाता है, इतना लोग लाइक कर देता है, लेकिन वो सच्चाई से परे है तो वो पब्लिक माइंड में भी नहीं जाता है। लग रहा है कि आपके विरोधी जो है वो ज्यादा हावी हैं इस टेक्नोलॉजी के युग में, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो अपनी बातों को वो ज्यादा रख रहे हैं, जो लोगों को लाइक्स ज्यादा मिल रहे हैं या व्यूज ज्यादा मिल रहे हैं? नहीं, ये चीज नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप डिजिटल पर भी अगर आप झूठ जा करके बोलेंगे तो पब्लिक कनेक्ट कर लेता है, इतना समझ जनता में, तभी तो वोट के समय वो समझ करके ही वोट डालता है। आप डिजिटल इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म हो गया है, लेकिन वहाँ भी आप सच्चाई बोलिएगा तभी लोग को वो सर में जाएगा वो बात, नहीं तो कैसे जाएगा। तो डिजिटल पे जो मुख्यमंत्री जी ने पीछे मीटिंग की है और आगे भी हम लोग जो प्लान कर रहे हैं उसमें क्या है प्लान आप लोगों का, फेसबुक, ट्विटर और जो दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम है उस पर कैसे आप लोगों को कनेक्ट करना है? हमारे जितना भी प्लेटफॉर्म है आगे जब भी, अब टाइम सेट होगा, अभी तो कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जब भी होगा मुख्यमंत्री जी बिल्कुल बिहार के जनता से उस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होकर के बात करेंगे आने वाले। अगर मौका मिला तो क्या आपको लग रहा है कि छोटी रैलियां ही सही इसकी वकालत करेगा कि कैसे छोटी रैलियां हों, या फिर उन रैलियों के जरिए लोगों से कनेक्ट हो पाएं टेलीविज़न के जरिए, जैसे कई बार नेता अगर लोगों के बीच नहीं पहुंच पाते थे तो टेलीफोन से सभा को संबोधित करते हैं? देखिए, गिवन एंड चॉइस, नीतीश कुमार जी घर में बैठ के डिजिटल वाले बिल्कुल आदमी नहीं। अब इलेक्शन कमीशन का भी गाइडलाइन, जरूर इलेक्शन होगा तो उसका लार्जर गाइडलाइन आएगा जो कैसे मीटिंग होगी नहीं होगी, उसी पर सबको काम करना है। लेकिन अगर गिवन ए चॉइस, वो बिल्कुल चाहेंगे कि कोई जिला में, कोई असेंबली में, कोई क्षेत्र में जा करके लोगों के बीच में ही, भले ही छोटा ही हो, लेकिन जाए लोगों के बीच में अपनी बात रखें, ये जरूर कोशिश होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या करता है, क्या परिस्थिति बनती है, अभी भी कोरोना का प्रभाव चल ही रहा है तो आने वाले टाइम में होगा। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हर एक तरह से हम लोग तैयार हैं, कोई भी कम्युनिकेशन करना होगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। एक डायलॉग सलमान खान का आपने कहा था, हम चाहेंगे कि एबीपी न्यूज़ के दर्शक एक बार सुने कि वो क्या था डायलॉग और कैसे आप उसको रिलेट करते हैं नीतीश? उन्होंने कहा कि मैं अगली बार मौका मिलेगा तो मैं हर एक खेत को पानी दूंगा। तो मैं याद कर रहा था कि सलमान खान के एक फिल्म में डायलॉग था कि एक बार जो मैं कमिटमेंट कर देता हूँ तो मैं खुद की भी नहीं सुनता पीछे। तो लोगों ने बिहार में देखा है, भाषण देना एक बात है, उन्होंने कमिटमेंट किया कि अगर बिजली नहीं मैं दे पाया तो आप वोट देने मत निकलिएगा। आपको याद होगा यही गांधी मैदान में बोले थे, मुझे मत दीजिएगा। ये रेयर पॉलिटिक्स में होता है। अगर मैं सड़क बनवाने का कमिटमेंट किया, अगर लॉ ऑर्डर इम्प्रूवमेंट करने का कमिटमेंट किया तो वो कमिटमेंट पूरा किया, तो वो पब्लिक जानती है कि अगर नीतीश कुमार एक बार बोल दिए कोई बात कि ये मैं करूँगा तो वो करके दिखाता है। संजय झा जी, सीधे तौर पर कि डिजिटल का ज़माना आ गया है, डिजिटल से लोगों को जोड़ना है और ख़ास तौर से चुनाव के वक्त में जितना ज़्यादा हो सके अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाने का इरादा है। ये भी एक चुनाव है जिसमें पहली बार ये तय होगा कि डिजिटल की सेना में सबसे भारी सेना किसके पास है और लोगों को अपनी ओर लुभाने में कौन कितना ज्यादा आगे है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। ये है एबीपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।